जो फोन हो जाता, अल्लाह के घर के आगे से काम है वो होता हुआ। भाई वहां दो रखे थे तुम, एक ही जगह थे। आज मंजिल से आज मुस्लिम की नुमाइंदा की पर भारत सरदीन अवेसी साहब ने खास तौर पर जो वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ निकाला जा रहा था उसके लिए इम्प्लीमेंट के लिए जो है तो वोट देने के लिए आप स्कैन कर कर आप आपका नाम उसमें दर्ज कराना चाहिए खिलाफ के लिए, इसलिए कि ये वक्फ की जायदाद है, अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह के घर की हिफाजत करना और अल्लाह के जायदादों की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। तो इसलिए किशनबाग डिवीजन में ये स्कैन मशीन बनाया गया है, हर कोने पर इसको रख के मेरे इब्तदाई सदर मोहतमदीन काम कर रहे हैं। मैं किशनबाग डिवीजन के आवाम से कहना चाहता हूँ कि वो अपने अपने सदरों से रद्द कीजिए, ये स्कैन कहाँ पर है, घरों से निकल कर खास तौर पर इसको स्कैन कर मुसलमानों को एकजहती और मुसलमानों की जायदाद और मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को की हिफाजत करने के लिए आप लोग घर से निकल कर काम करिए। किशनबाग डिवीजन में हर सदर का ने ये एक एक स्कैन दिया गया है मंजिल से तहजन मुस्लिम की जानिब से। मैं खास तौर पर आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि माँ बहनों से, मेरे नौजवान भाइयों से और मेरे बुजुर्गों से कि वो अपना निकल कर इस मुखालिफ वक्फ के जो कानून के मुखालिफ अपना है तो स्कैन के जरिए आप लोग अपना जाहिर किए कि हम इसके खिलाफ है बोलकर। तो मैं किशनबाग के डिवीजन के हर सदर मोहतमदीन इस स्कैन मशीन लेकर हर कोने पे ठहरे हुए किशनबाग पर और कल जहाँ तक किशनबाग डिवीजन में मस्जिद रहेंगे वहाँ पर हमारे इब्तदाई सदर मोहतमदीन सब रहेंगे। इस काम के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब और एरिया MLA मुबीन साहब और मैं खुद फिर कर काम कर रहे हैं क्योंकि MLA साहब भी खास तौर पे तवज्जो दिए हुए इस काम के लिए गश्त कर रहे हैं एरिया में और मैं भी मेरे इब्तदाई सदर मोहतमदीन के साथ रहकर काम कर रहा हूँ। आज और कल लास्ट डेट है तो मैं आवाम से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि घरों से निकल के ये वक्त की जायदाद को बचाने के लिए आप स्कैन करिए, कर अपना वक्त की जायदाद को बचाइए। खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब ने अपील की है, उनकी अपील के जरिए आप लोग बाहर निकल कर काम करिए।